क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? रामफल सिंह नाम है, कैथी से आया हूँ। यहाँ पे जो है मेरा मैं 2 तारीख से इधर गल्ला लेकर के पड़ा हुआ हूँ। बोल रहे थे 1 दिन में 2 दिन में ले आओ गल्ला तो ला लेंगे, और अभी तक रोज़ यही कर रहे थे का गल्ला को जो है पलटी करवा दिए हैं और गल्ला की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कल रात में 3:30 बजे मैं यहीं पे था, पन्नी साद रहा था और इसके बाद जो है नाले से मेरा गेहूं बह रहा था। फिर मैं आवाज़ दिया, घर पे फ़ोन किया कि बचाओ नहीं तो पानी में पूरा डोल गया, पूरा वो हो गया। मेरे को अभी ट्यूबवेलों का बिल बाकी पड़ा हुआ है, मैं ट्यूबवेल का बिल कहाँ से करूँ, ये था गेहूँ बिक जाए तो दे दी। इसके बाद मेरी भतीजी की ये 24 को शादी है, कितने टाइम ना तक गेहूँ ले रहे हैं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, और रोज़ का रोज़ यही टाल रहे हैं साहब। मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई है कि मैं करूँ क्या करूँ। अब सरकार है, उनकी सरकार है, जैसा वो चाहें तैसा करें। हम लोग तो पीड़ित का कर्ज भी होगा आपकी? हाँ, बैंक का कर्ज भी है और बिजली का ट्यूबवेलों का बाकी है, सब टोटल बाकी है। वो रोज़ नोटिस हैं भेज रहे हैं कि जमा करो, कहाँ से क्या करें। गांव का लेन देन पड़ा है, परेशान है हम लोग, रोज़ यही कर रहे हैं ना, कहीं कुछ है, रात भर पड़े रहते हैं यहीं। अगर आपकी तौल नहीं होती तो आपके सामने क्या विकल्प आता है? नहीं कुछ करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पर जान दे करके चले जाएंगे, बस चाहे कुछ भी हो जाए। चला क्या नाम हुआ आपको? सर शिवेंद्र सिंह पाल मेरा नाम है, मैं मोडेरा से आया हूँ। कितने दिन से गल्ला मंडी में पड़े हो, अब तक नंबर क्यों नहीं आया आपका? सर 29 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन था, 2 तारीख को बुलाया गया था, 2 तारीख को लेकर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ खुला में पड़ा हुआ है, रात में खूब बारिश हुई है, 3 बजे से लगभग 5 बजे तक धुआंधार, बहुत सारा गेहूँ है नालियों में पड़ा हुआ, बह के गया है। अभी भी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है कि कब हमारा तौला जाएगा। सर परेशान है, रोज़ आते हैं सुबह शाम को वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं होती। क्या कहते हैं आपके जन प्रभारी? कहते हैं कल तौला जाएगा, यही सर कंटिन्यू प्रोसेस बनी हुई सर, 2 तारीख से कंटिन्यू आ रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? सुशील। कौन सा केंद्र है आपका? ये PCF का है। आपके केंद्र के बाहर कई किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है 15 से 20 दिन, और किसी का यहां तक कि 1 महीने का हो गया, अभी तक उनका नंबर क्यों नहीं आया, क्या वजह? ये 15 से 20 दिन नहीं हुए, 2 से 3 या 4 दिन हुए हैं बस, इसके पहले बोरियां नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रही है तोल। ये समस्या इस साल आई है बोरियों की ख़त्म होने की, हमेशा नहीं इस साल है आई है? आप तो पुराने केंद्र प्रभारी हैं जी, हमेशा रहते हैं यहाँ। जी तो इनका आरोप क्या है कि झूठ बोल रहे हैं किसान? अब 2 से 3 दिन तो हो ही गए पड़े गेहूं को, अब आज इनको हमने बता दिया कि सबसे पहले बाहर का तौला जाएगा गेहूं, इसके बाद भारी बारिश में आज सुबह इतना लोगों का सैकड़ों कुंटल गेहूं बह गया, बर्बाद हो गया, सड़ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो हमारी होती है। किसानों का सीधा आरोप है उनके ऊपर, कई तरह के कर्ज हैं, उनके तमाम सपने हैं, उनके तमाम काम हैं, वो कैसे पूरे होंगे? ये गेहूँ बिक्री करके पूरे होंगे। किसान मायूस है आपके केंद्र में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।